तो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दोस्तों, सरकार की तरफ से जितने भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो DBT के माध्यम से होता है। जैसे कि कोई गैस सब्सिडी, आवास योजना या फिर स्कॉलरशिप के पैसे DBT के माध्यम से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों, जिस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होता है, पैसा ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट में लिंक है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोल लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा UIDAI। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI का, ये यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आधार सर्विस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि वेरीफाई आधार, आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार लिंकिंग स्टेटस, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस ऑप्शन में आपको सिंपल सी क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैप्चा यहाँ पर फिल करना होगा इस जगह में। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंड OTP में आपको क्लिक करना है इसमें। तो जैसे ही आप सेंड OTP में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर OTP डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद सेंड OTP में क्लिक किया तो इस तरह से आपके नीचे में इंटर OTP का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP डाल लेना है इस जगह में। तो चलिए मैं अपना OTP डाल लेता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको OTP डाल देना है। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट के बटन में क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर आधार इज़ नॉट लिंक टू ए बैंक अकाउंट, यानी कि आप यहाँ से इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। तो चूँकि मेरा ये जो नंबर है, ये आधार कार्ड है, ये बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, इसीलिए मेरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह में योर आधार इज़ नॉट लिंक टू बैंक अकाउंट में। अगर आपका लिंक्ड होता तो यहाँ पर आपका शो कर जाता, तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते थे कि आपका बैंक अकाउंट में लिंक है कि नहीं। तो इस तरह से आप किसी का भी बैंक अकाउंट का चेक कर सकते हैं आधार कार्ड लिंक है कि। दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।